गुड इवनिंग, मेरी शो में आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैं आपको वो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है दही बड़े की रेसिपी, जिसके लिए मैंने सबसे पहले उड़द की दाल ली है। उड़द की दाल मैंने 250 ग्राम ली है, वैसे उतनी ही मैंने मूंग की दाल ली है। इन दोनों को मैंने मॉर्निंग में ही भिगो के छोड़ लिया था, तो अभी इसमें से मैंने पानी निकाल दिया है। सबसे पहले हम इन दोनों को हमने इसका मिक्सी के अंदर पेस्ट रेडी करना है। ये देखिए, ये हमारा दोनों दालों का जो पेस्ट था बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। ये देखिए, तो अभी मैंने इसको बर्तन के अंदर इनको निकाल लेना है। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर पेस्ट निकाल लिया। अब मैंने इसके अंदर नमक ऐड करना है। 1 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से फेंटना स्टार्ट करना है। फेंटने का तरीका है, एक मैं आपको बता देती हूँ। हमने एक ही साइड में फेंटना स्टार्ट करना है। जिस तरह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसी तरह से आपने स्टार्ट करना है। और इसमें आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है। टाइम मीन्स 15 मिनट के लगभग आपको फेंटना है, जिससे कि हमारे ये दही हैं के जो दही बल्ले हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इसके अंदर हम कोई भी मीठा सोडा नहीं ऐड करेंगे। नमक डालकर हमने एक ही डायरेक्शन के अंदर इसको कंटिन्यू 15 मिनट तक इसी तरह से हमने इसको फेंटना है। ये देखिए, ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो इधर मैंने कढ़ाई के अंदर तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। और अब हम इसको टेबल स्पून की सहायता से मैं इसके अंदर बनाना स्टार्ट करती हूँ। आपने जितने बड़े दही बल्ले बनाने उसी के क्वांटिटी के हिसाब से आपने इसको डालना है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे है और लो फ्लेम पर आपने बनाना है, क्योंकि अगर आप लो फ्लेम पे नहीं बनाओगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट दही के बड़े हैं जो बनने स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए, ये हमारे दही के बड़े हैं जो बनकर स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे जैसे ये बनते जाएंगे तभी हमने इसको एक बॉयल में मैंने पानी लिया है उसके अंदर हमने डालते रहना है, जिससे कि हमारे दही के बड़े हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट रहे इस तरह से। और अब भी मैंने जो बाकी के दही बड़े हैं वो भी मैंने इसी तरह से बनाना है। ये देखिए, ये सारे दही बड़े हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। ये हमने एक बॉल में दही बड़े निकाल लिए हैं जितने हमने सर्व करने। तो अभी मैंने इसके ऊपर दही लगानी है इस तरह से। तो आप इसके ऊपर दही लगा सकते हो। और दही को मैंने थोड़ा इसके ऊपर मैं दही ऐड कर रही हूँ। तो दही को मैंने पहले फेंट लिया था, अब मैंने इसके ऊपर हैं जो आलू मैंने बॉयल कर लिए थे उसके छोटे छोटे पीसेस में इनको मैंने इस तरह से काट लिया है। और ये जीरा को मैंने अच्छी तरह से इसको भून के इसको मैंने बना लिया था। इसी के ऊपर मैंने अभी थोड़ा नमक ऐड करना है चटपटा बनाने के लिए, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च और इमली की चटनी, जो कि मैंने इसको भी घर पे ही रेडी किया है। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया। जितनी आपने इमली की चटनी लेनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर डाल सकते हो। तो ये देखिए, ये हमारे जो दही के बड़े हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। ये बहुत अच्छी तरह से बने हैं। तो आप इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। कभी भी घर पे चटपटा खाने का मन हो तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।